नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। आज हम ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनाएंगे, तो आटे और पनीर से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ब्रेकफास्ट हम बनाएंगे। जल्दी बन जाएगा बहुत, तो आइए बनाते हैं हम इस क्रिस्पी से नाश्ते को। तो देखिए, इसके लिए मैंने एक कटोरी आटा लिया है। इसमें हम नमक डालेंगे, तो नमक आप अपने टेस्ट से डालें, आपको कितना चाहिए। अब इसमें हम 2 चम्मच घी डालेंगे। घी आप ज़रूर डालें, उससे बहुत ही क्रिस्प और टेस्टी बनेंगे। तो घी को पहले अच्छे से मिला लेंगे हम। उसके बाद पानी की हेल्प से एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। तो ना तो उसे हमें बहुत टाइट रखना है, ना बहुत लूज़ रखना है। नॉर्मल पराठे के लिए जो आटा लगाते हैं वैसा बनाना है। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ा घी लगाकर इसे रेस्ट करने को रख देंगे, जब तक कि हम फिलिंग तैयार करते हैं। तो देखिए, इस तरह से आटे को हम घी लगाकर ढककर रख देंगे। तो आइए इसकी फिलिंग बनाते हैं हम। तो देखिए, मैंने 1 प्याज, 1 हरी मिर्च और थोड़ी सी अदरक को कस लिया, और प्याज और हरी मिर्च को बहुत बारीक काटा है। तो आप कोशिश करें बहुत बारीक काटें इसे। और मैंने 150 ग्राम पनीर लिया, उसे भी कद्दूकस से कस लिया है। तो देखिए, इसे हम थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे, थोड़ा कुटी हुई मिर्च डालेंगे, जीरा डालेंगे 1 चम्मच, धनिया पाउडर डालेंगे और कसूरी मेथी डालेंगे। तो कसूरी मेथी आप ज़रूर डालें, उसे बहुत टेस्टी बनता है। और नमक डालेंगे। तो ये सब मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, आपको कितने मसाले चाहिए, बट कसूरी मेथी ज़रूर डालें। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, मसाला मिक्स हो गया। अब हमें बहुत छोटी छोटी लोई लेनी है, जैसा कि हम पूड़ी के लिए लेते हैं, बड़ा नहीं लेना है। हम छोटे पराठे बनाएंगे। इसे बहुत हल्का सा बेलना है, या फिर आप हाथ से ही फैला लीजिए। इसमें 1 चम्मच हम फिलिंग डालेंगे और चारों तरफ से इसे हम कवर कर लेंगे, जैसा कि हम पराठों में करते हैं या स्टफिंग करते टाइम करते हैं। तो बस फ़र्क इतना है कि हमें ये बहुत छोटे बनाने हैं, ताकि किसी को बड़ा पराठा खाना हो या छोटा खाना हो, कम खाना हो, तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाता है और अच्छे क्रिस्प बहुत टेस्टी बन जाते हैं ये। एक साथ तवे पे 5-6 हम बना लेंगे। तो इससे देखिए, हल्के से प्रेस करते हुए या फिर सिर्फ हाथ से ही फैलाकर आप इन्हें बना लें। तो इस तरह से हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए, एक नॉन स्टिक पैन पर हमें घी डालना है और इसे ब्रश करना है। तो ये एक तरह की स्टफिंग, खस्ता पूरी टाइप से हमारे तैयार हो जाएंगे। ना तो डीप फ्राई करना है, ना बड़े पराठों की तरह बनाना है। एक बार में तवे पे देखिए कितने सारे बन जाते हैं, और छोटे छोटे हैं तो इन्हें हम बहुत अच्छे से क्रिस्प कर लेंगे, अच्छे से ब्राउन करने तक सेकेंगे। तो देखिए, इस तरह से हम दोनों तरफ घी लगा लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इन्हें अच्छे से कड़क होने तक कुक कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और छोटे छोटे पनीर के ये टिक्कड़ या पराठे का ये कितने सुंदर लग रहे हैं, और खाने में भी ये बहुत टेस्टी हैं। तो इसी तरह से दोनों तरफ से घी लगा के इन्हें हम अच्छे से कुक कर लेंगे, क्रिस्प होने तक, पूरा कलर चेंज होने तक। तो देखिए, हमारे नाश्ते की रेसिपी तैयार है ये। आप इसे चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं इस पर, बटर के साथ सर्व करिए, या फिर आप चटनी दीजिए, अचार दीजिए, दही दीजिए, सबके साथ बहुत टेस्टी लगता है ये।